तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, फाइनली होंडा ने अपनी 100 cc बाइक को रिवील कर दिया है, लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो होंडा की साइन 125 आती थी ना, वही सेम आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन अब आपको मिलेगी 100 cc में। तो दोस्तों अब आपको मिलेगा साइन 100 cc और साथ ही साथ साइन 125, यानी कि साइन में अब आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 2023 में। तो दोस्तों जो 100 cc सेगमेंट की बाइकें आती है ना, उसे ये बाइक काफी तेजी से टक्कर देने वाली है, जो कि है होंडा की 100 cc। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि होंडा की साइन 100 cc में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, कितने कलर ऑप्शन मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों अगर आप लोग भी होंडा की 2023 में साइन 100 cc लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इस बाइक की जो बुकिंग है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग इस बाइक को लेने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस रखी गई, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि इस बाइक में होंडा ने कुल 5 कलर लॉन्च किए हैं, जिसमें से पहला कलर जो है उसकी बात करते हैं, तो वो है इसका ब्लैक विथ रेड स्ट्रिप कलर, जो कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें आपको ब्लैक एंड रेड कलर में बाइक देखने को मिलती है, यानी कि ब्लैक कलर में बाइक देखने को मिलेगी, लेकिन रेड कलर की ग्राफिक देखने को मिल रही है। और इसका जो अगला कलर मिलता है, वो मिलता है ब्लैक विथ ब्लू स्ट्रिप कलर, यानी कि ब्लैक कलर में बाइक मिलेगी, ब्लू कलर में आपको ग्राफिक्स मिल जाती है। और इसका जो तीसरा कलर है, वो है ब्लैक विथ गोल्डन स्ट्रिप कलर, तो इसमें आपको गोल्डन कलर का स्ट्रिकिंग मिल जाती है। लेकिन इसका जो चौथा कलर है, वो है ब्लैक विथ ग्रे स्ट्रिप कलर, तो दोस्तों इसमें आपको ग्रे कलर की ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इसका जो आखिरी कलर है, वो है ब्लैक विथ ग्रीन स्ट्रिप्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो लुक मिलता है ना, लगभग 125 cc की जो साइन 125 आती है ना, उससे थोड़ी बहुत मैचिंग लगती है, लेकिन ये जो बाइक है ना 100 cc में है, तो 100 cc होने की वजह से इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना, 125 cc की जो साइन आती है ना, उससे ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम आपको इसका एक्सोन प्राइस बता रहे हैं, जो कि रखा गया है 64,900 रुपए एक्सोरूम प्राइस। तो दोस्तों इसका जो ऑन रोड प्राइस है ना, जिसका जो एग्जैक्ट प्राइस है ना, जैसे ये बाइक मेरे नियरेस्ट शोरूम पे आ जाती है होंडा की, वैसे ही आपका भाई इस बाइक के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बना देगा, इसका राइड रिव्यू दे देगा, माइलेज टेस्ट करके दिखा देगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स वाइज, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसका जो इंजन मिलेगा वो मिलता है 100 cc का। लेकिन आपको बता दें कि इसका मैक्स टॉर्क मिलता है, इसका जो मैक्स पावर मिलता है ना, थोड़ा सा कम मिलता है 125 cc की तुलना में, क्योंकि 100 cc की बाइक है। तो इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 7.61 bhp का, इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 8.05 Nm का। FI इंजन मिल जाता है, और साथ ही साथ BS6 फेज 2 पॉइंट इंजन मिल जाता है, 4 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, इसमें आपको एयर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। और आपको बता दें कि FI सिस्टम मिलने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी जो मिलेगी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाँ, इसमें पावर तो कम मिलता है, क्योंकि ये बाइक जो है ना, माइलेज को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। तो आपको बता दें कि इसका जो माइलेज मिलता है उसकी बात करते हैं, तो इसका जो माइलेज मिलेगा ना, लगभग आप मान के चलिए 65 से 70 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को देने वाली है। इसका जो एग्जैक्ट माइलेज है ना, हम आपको टेस्ट करके बहुत जल्द आपको वीडियो के जरिए दिखा देंगे। और अगर हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन वाइज, तो इसमें आपको फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, रियर में आपको एब्जॉस्ट सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको वही सेम मिलता है जो कि आपको साइन 125 में मिलेगी। इसमें आपको CBS सिस्टम मिल जाता है, आगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। और इसका जो लेंथ मिलता है उसकी बात करते हैं, तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलते हैं 786 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो आपको काफी बेहतरीन मिलती है, जो कि आपको मिलेगी 168 mm का। और अगर हम बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल वही एनालॉग मीटर कंसोल मिलने वाला है, जिसमें आपको ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हेडलैम्प के बारे में, तो इसका जो हेडलैम्प है ना, वही सेम आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 35x35 W का, जो कि आपको क्या कहते हैं साइन 125 में मिलता है, वही सेम हेडलाइट इसमें भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल लुक की बात करते हैं, तो लुक्स जो है ना, वो सिमिलर मिलता है साइन 125 की तरह ही, लेकिन इसका जो इंजन है ना, थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, कम सीसी की इंजन देखने को मिलती है, 100 cc की इंजन देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा ना, आपको साइन 120 के मुकाबले में आपको काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि जो साइन 100 cc लॉन्च की गई है इंडियन मार्केट में, ये आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फुल रिव्यू वीडियो है ना, इसके बारे में आपको डिटेल में आपको वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलने वाली, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का देने के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।